राज्य सरकार के शेखावटी वासियों की प्यास बुझाने के प्रयासों के बीच अचानक यह एक ग्रहण सामने आया। यमुना के जल से लोगों की प्यास बुझाने की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। यमुना का पानी तो आएगा, जब आएगा, हम तो हमारा संचय किया हुआ जल भी नहीं बचा पाए। लोगों की जान पर बनाई वो एक अलग है। शनिवार को झुंझुनू में मलसीसर बांध टूटने की घटना भ्रष्टाचारियों के बुलंद होते हौसलों की कहानी बयां कर रही है। 588 करोड़ रुपए की लागत से बने मलसीसर बांध के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा जो यह 3 महीने भी पानी का दबाव नहीं सह सका और नतीजा 8 करोड़ लीटर पानी बह गया और पूरा गांव जलमग्न हो गया। सरकार की ओर से भले ही बांध का निर्माण करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया हो, केस दर्ज भी कराया हो, इंजीनियरों पर कार्रवाई भी की गई हो, लेकिन जो पानी बह गया वह तो वापस नहीं आ सकता। पानी कितना कीमती है यह राजस्थान वासी भली भांति जानते हैं। प्रदेश में आज भी सुदूर में कई गांवों में पानी के लिए कई किलोमीटर तक का सफर वहां लोगों को करना पड़ता है। मलसीसर बांध के पानी से झुंझुनू के वासिंदों की प्यास बुझाई जा रही थी। बांध 1500 गांवों की भी प्यास बुझाता, लेकिन इससे पहले ही भ्रष्टाचारियों की कारगुजारी का दुष्परिणाम सामने आ गया। हमारे नेता, मंत्री, अफसर बांध के उद्घाटन पर फोटो खिंचवाने से पीछे नहीं रहते। अब बांध के टूटने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। बांध निर्माण करने वाली कंपनी को ठेका दिया गया था तो उसके सुपरविजन की जिम्मेदारी हमारे काबिल नेता, मंत्री और अफसरों की भी होती है। जाहिर है कि मलसीसर बांध का निर्माण करने वाली हैदराबाद की कंपनी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ने बांध बनाने में घटिया सामग्री इस्तेमाल की थी, लेकिन सारा ठीकरा कंपनी पर फोड़ कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन पर सरकार ने 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई है और इसे ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी भी की है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। जब यमुना के पानी को झुंझुनू लाए जाने को सरकार अपनी उपलब्धि बताती है तो बांध के टूटने के हादसे को अपनी नाकामी क्यों नहीं मान रही।